गाइस घर में किसी को भी नहीं पता है कि मेरी नाटक में जब आने लग जाएंगे। और भाई का टैलेंट देखिए, एक मिनट में भाई एक गुब्बारा फुला देता है। बारिश पड़ रही है, हम सोच रहे हैं कैसे जाए जड्डू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो आप जानते होंगे लिपस्टिक गर्ल। ये अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता हुआ अब हम लोग घर जा रहे हैं। पिशाचनी वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज ब्लॉग। मैं हूँ अंजलि घिल्डियाल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम चकाचक। सो गाइज आज मैं वीडियो बहुत 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 ज़्यादा दिन बाद बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं यार टाइम नहीं लग पा रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में अभी, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। और अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो यहाँ पे 3 दिन बारिश पड़ने के बाद अभी लगातार बारिश पड़ रही थी और अभी ये मौसम हो रहा है, तो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे मेरे घर से पहाड़ों का लाइव नज़ारा मैं देख। और जैसा ना अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वैसे कैमरे में नहीं आ सकता, तो बहुत। और यहाँ पे ना 3 दिन बारिश पड़ने के बाद ठंड बढ़ गई है, तो फिर अब जैकेट वगैरह निकालने शुरू हो चुके हैं, कंबल वगैरह और जो भी है सब निकालना शुरू हो चुका है। और गाइज अभी सुबह सुबह मतलब इतने प्यारे मौसम के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मुझे पहले समझ में नहीं आया किस चीज़ के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रही है, पर बाद में उसने बताया कि तेरे यूट्यूब में 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो मुझे बहुत, मैंने फटाफट चेक किया और तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर के लिए ना यार बहुत मेहनत लगती है सीरियसली। अब मुझे पता चल रहा है जो बाकी यूट्यूबर्स हैं ना इतना मतलब कर रहे हैं, तो सही में यार बहुत ख़तरनाक ही करते हैं वो लोग। और बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का, तो थैंक यू सो मच आप सबका। आप मेरी 1000 फैमिली के मेंबर बने हो और प्लीज़ मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना और मुझे आगे ग्रो कराते रहना। तो अभी मैं आप लोगों को लैपटॉप में दिखाऊंगी कि मतलब 1000 सब्सक्राइबर। और आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा, क्या होगा क्या होगा। आज संडे है और ठीक है, मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए तो ब्लॉग तो बनता है यार, इसीलिए आज ब्लॉग बन रहा है। और गाइज ये वाला मौसम देखे ना किसी को वो टाइमिंग का पता नहीं चलता, तो अभी पता है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे मैं टहलने आई थी 2 मिनट के लिए, और अब मैं नीचे जा चुकी हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारे काम हैं। फिर थोड़े काम कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज का दिन कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है सब चीज़ें। गाइज घर में किसी को भी नहीं पता है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, तो अभी सबका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। मम्मी पता क्या हुआ है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अच्छा बजाए वो तेले लड्डू बांटेंगे अब। लड्डू लड्डू इस दिन बांटेंगे जब आने लग जाएंगे। ठीक है 1000 सब्सक्राइबर हो गए, कांग्रेचुलेशन आज पिज़्ज़ा खिला देना हमें, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे रुका सुका नहीं चलेगा भाई। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, कांग्रेचुलेशन। अब बताइए अब पार्टी, पार्टी करा ले। अभी जब पैसा आएगा तब मम्मी ने बोला लड्डू खिलाएंगे, है ना मम्मी? तो वो तो मम्मी खिलाएगी ना, तो अभी कुछ और खिला दे। क्या खाना चाहते हो बारिश के मौसम में? पकोड़े बनाओ और बस से चाय खाओ। पकोड़े पकोड़े खाओ, पिज़्ज़ा वैसे खिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है फ्रिज में, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है। पिज़्ज़ा सीधा खराब वाला फ्रिज को, पकोड़े तो तुम हर संक्रांत में बना ही देते हो। पिज़्ज़ा सीधा वाला। यहाँ पे मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और बल्ले बल्ले बल्ले। सो गाइज मेरे 1K सब्सक्राइबर हो, इस खुशी में भाई गुब्बारे फुला रहे हैं। तो गुब्बारे फुला रहा और भाई का टैलेंट देखिए, एक मिनट में भाई एक गुब्बारा फुला देता है। भाई का टैलेंट यही है, गुब्बारे फुलाता है सारे। एक गुब्बारे ने फोड़ दिया, इस गुब्बारे के अंदर पिंपल उग रखे थे, वो नीचे गिर गए उसके पिंपल। ये टाइसन के साथ खेलने के लिए गुब्बारा फुलाया जा रहा है। बल हम अकेले में एंजॉय क्यों करें, हम अकेले में एंजॉय क्यों करें, टाइसन के साथ भी करेंगे। बस भाई इससे ज्यादा फूट जाएगा वो, टाइसन का तो मुंह लगेगा, उसकी चोंच के बाल लगेंगे तो
उसी टाइम दम टाइसन को हार्ट टाइसन को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो गाइस भाई का ये स्टाइल है कि टेप का टेप लगा के नहीं चिपकाना है गुब्बारे को। इस ये टेक्निक है भाई की बचपन वाली, और इससे हम गुब्बारे चिपकाते थे वहां पे दीवार पे, वो बेटे चिपक गया। ये गाइस ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जाने चाहिए, ये सिर्फ भाई का है इन्वेंशन और किसी को नहीं पता ये, ठीक है। सो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बड़ी मुश्किल से आज नहाया है, बड़ी ठंड हो रही थी, मन भी नहीं कर रहा था नहाने का और लाइट नहीं थी तो गैस में पानी गर्म करके तब नहाना पड़ा और नहा लिया। लेकिन अब मुझे अपना काम करना है, कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह तैयार करना है, तो यहाँ पे तैयारी है असाइनमेंट की और असाइनमेंट बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज प्लान ऐसा है कि आज हमारे फ्रेंड की दीदी की शादी है और उसने हमें कब से कार्ड दे दिया था, कम से कम एक महीने से वो हमें यही कर रहा था कि तुम लोगों को आना है आना है आना है। अब बारिश इतनी तेज़ पड़ रही है, लगातार 3 दिन से यहाँ पे खतरनाक बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने शुरू हो गई है और अभी भी बारिश पड़ रही है। हम सोच रहे हैं कैसे जाए, जड्डू लग रहा है, मतलब ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और मनसा नहीं हो रहा जाने का, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड की दीदी की शादी है और वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो जाना तो बनता है यार। और हम पास के भी हैं, मतलब मैं और आगे आपको पता चल ही जाएगा कौन कौन आ रहा है, बट अभी मैं यही सोच रही हूँ क्या कपड़े पहन के जाए क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और सूट का सोच नहीं सकते, फैशन गया तेल लेना और मैं तो स्वेटर पहन के जाऊँगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और वैसे मेरा गला बहुत मतलब अभी तक मेरी खांसी गई नहीं है तो वो और ज़्यादा मैं करना नहीं चाहती, इसीलिए नॉर्मल सिंपल ही बन के जाएंगे और बस मज़े करेंगे। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए शादी में, और शादी में मैं पहली बार ऐसे बन के जा रही हूँ क्योंकि और टाइम पे ऐसे ट्रेडिशनल लुक में जाती हूँ मैं, बट अभी ठंड लग रही है और फैशन गया तेल लेने तो ऐसे ही चलते हैं। और मेरे और भी फ्रेंड आ रहे हैं तो आप सबको मैं मिलाऊंगी, सॉरी उन सबको मैं आप सबसे मिलाऊंगी और बस देखते हैं आगे क्या होता है। हो गया आया हूँ। सो गाइस यहाँ पे खाना चल रहा है, हम लोग शादी में आए पर शादी में भयंकर बारिश पड़ रही है और ये हमारी सहेलियाँ, इसको तो आप जानते ही होंगे लिपस्टिक गर्ल लिपस्टिक वाली लड़की, और इसको तो आप जानते ही होंगे हमेशा खाता ही रहता है और इन दोनों को आप नया नया देख रहे हो, नाम बता दो अपना अपना, सुनेगा ही नहीं, आप पीछे गाना चल रहा है और ये हमारी कदियाँ पेल रही है खाना वो कह रही है लड्डू दो मुझे, मेरा खाना खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं हम भैया। तो गाइज ये है कढ़ाई में और जीजा जी ने पतीले में, अरे तो गाइज ये है दुल्हन का भाई, हेलो तो कर दे इसके बाद इसका जूड़ा कट गया मोगली लग रहा है, अब मोगली लग रहा है, ये अम्बी से मोगली अम्बी से मोगली हो चुका है। और गाइस यहाँ पे मजा तो आ रहा है यार, वैसे बारिश में मेरे को देखो स्वेटर वेटर पहन के जैकेट पहन के बिल्कुल ही बस। तो गाइस ये बन के छकना बांध हाथ तो है नहीं यार, बात लगा हुआ हाथों में चिकन लग रहा है। तो गाइस ये इतनी बन के आई थी, एकदम मन ठन के आई थी, तो गाइस ये मन ठन के आई थी, सारा पानी ने पिला दिया, इनसे भी इनको भी लग गया क्या, इनको पिटिया लग गया, इनसे पिटिया लग गए तीनों। अरे बस का किराया हमारा दे दो यार, बस का किराया, बस का बस का बस का ये बैग क्यों आया है, इसमें सबका पिटिया लगा हुआ है। हलवाइयों के बीच में है, यहीं से खाना पेल रहा है, यहीं से ये लड़का, अभी तक इसका खाना ही खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं कितना खा रहा है इधर देख जरा यार, जगह खाना काम ही यहाँ पर
अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ ब्लॉग बन रहा है। ओए लौंडा लग रही है यार तुम अपना। तो ये लौंडा नहीं लग रही है, तो ये लौंडा है, इसमें लगने वाली बात क्या है। हम आपको इसकी गर्लफ्रेंड को नहीं दिखा सकते। अरे आप ब्लॉग में आ रहे हो, से हाय। ये कितनी गोरी आ रही है, ये किसकी शक्ल कतई लड़का, बिल्कुल लड़का, बहु लड़का। वाह चमकी। अच्छा चंद्रा आपको यहाँ पे गधा बोला जा रहा है। चल 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 मैं इस बात का गवाह हूँ, है ना गवाह। पूरा ये व्लॉग बन रहा है, चंद्रा को दिखाया जाएगा ये। गाइस हम बताना चाहेंगे चंद्रा के नाम पे हमारे काशीपुर में कॉलेज बनवाया हुआ है, किसने बनवाया, उनके नाम पे बना चंद्रावती कॉलेज। वो इतना फेमस तभी है। सो गाइस आप इसे जानते होंगे, ये एक टाइम पे अंबी था, अब ये मोगली हो चुका है। पहले ये अपरिचित था, अब ये मोगली हो चुका है। जंगल बात चली है, पता चला चड्डी पहन के फूल खिलता है इसके, तो चड्डी नहीं पहने फिलहाल। क्रीम पाउडर बोल भैया, भी मैं करता हूं क्रीम पाउडर। हेलो बोलो, हेलो। नहीं मानो यार, झूठ नहीं बोले यार, बोल के नहीं झूठ बने जियो, लाट च नहीं हो करती है यार, है ना। गाइस जब आप लोग को बात नहीं समझ पाए मैं कृपया बता दूं, आप लोगों को इनका पहाड़ी पना जाग गया था। इस बात को सब टाइटल के साथ डाला जाएगा। देखो लदोड़ी, इसकी लदोड़ी देखो, लदोड़ी इन द सेंस कि इसकी ये मम्मी दिख रही है मेरा ना कुछ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं। वेट 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 और तू यार अब वो सो मार रहा है बस, ध्यान दे रखा है। अब अकेले भी मत जाना ना यार, अकेले आना ये अपने आप को दिखाने के लिए लाइट और सस्ता जुगाड़ गाइस। हां तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। शी इज पिशाचनी, ये सबका खून पी जाती है। ठीक है गाइस आप समझ सकते हो, अगर अभी इसके यहाँ साइड वाले वैसे दांत होते ना वो अभी इसने अंदर करे हुए, अभी जैसे 12 बजेंगे नहीं अंधेरा सा आएगा थोड़ा। हाँ इसलिए मैंने लाइट जलाई, इसलिए डर के मारे लाइट जली। अच्छा तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं अभी अंधेरे के चाह में खून की प्यासी डायन, देखो बहाना भी कर रही है, अब ये खून की गर्मी। मैं समझा सकता हूँ आपको, अगर आपको ऐसे किसी से बचना हो, अगर आप कभी किसी से भेंट हो जाए ऐसे, एक ही बंदा रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, एक ही बंदा रहे, अक्कड़ बक्कड़ बंदे। तुमने छोड़ा बाबा इसके तो तुमने छोड़ा क्या छोड़ा तुमने छोड़ा वो भाई जी परेशान हो जाएंगे यार। सो गाइस हम लोग शादी से वापस आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसीलिए अब बिल्कुल पैक होके वापस से अपने क्या बोलते हैं उसको अपने रूप में। और शादी बहुत अच्छी रही पर बारिश पड़ गई थी, और लेकिन काफ़ी मज़ा आया दोस्तों के साथ। और आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो बस। और बाय।